कहीं आप सभी बहुत दिन से बोल रहे थे डूब एक बार चेकअप करा दो, डूब बोलता नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आज सारा डिटेल्स में सारा क्लियर डॉक्टर से कर ही लेंगे क्या? ढेसा दवा लिखे ना, चार दवा लिखे हैं। अगर नहीं सुन पाता ना तो हम अनुमान लगा सकते थे कि बच्चा नहीं बोल पा रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज नरोबीर सुबह सुबह डूब के लिए नाश्ता बना रहे हैं, सूजी का हलवा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हुआ यू ना दोस्तों, रात भर डूबो हम लोग को सोने में देर, पता है 2 बजे के बाद वो सोए हैं। इतना उनका तबीयत खराब, बुखार से हलफ रहे थे, सर्दी खांसी सब एकदम जकड़ के रखा हुआ था। आज उनको कहीं दिखलाने भी हम लेके जाएंगे तो कुछ खिला देंगे, सूजी खा लेंगे, थोड़ा सा मीठापन लगता है। रोटी नहीं बना रही, रोटी नहीं खा रहा है, वो पता नहीं क्या है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा रोटी गुड़ दिए लेकिन एक टुकड़ा खाए तो खा ही नहीं रहे हैं। सोच रहे अगर सूजी बना देंगे हलवा, उसके लिए शायद कभी मीठा हलवा दे खा नहीं लेंगे। उनके लिए हम लोग पानी गर्म पिला रहे हैं, देखिए। और प्लस मेरा ये वाला हाथ उठ नहीं रहा है, सुई पड़ा है, ऐसे बहुत कष्ट है। रात भर हम लोग सोए नहीं है, एक तो बाबू भी नहीं सोया, प्लस में हम भी नहीं सोए जगह से। एक प्रॉब्लम से हम छुटकारा नहीं पाते हैं दोस्तों, दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ऐसे में रोज करो जैसी हालत हो जा रही है। इनके प्रति कुछ ऐसे परेशान हुए, अब थोड़ा सा इनको कंट्रोल हुआ, फिर सुई लिए, फिर दिक्कत हुआ, अब देखिए डूबू साहब को ऐसा हालत हो जा रहा है। तो रोज करो क्या करें, कैसे हो जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोग को। पता नहीं जिंदगी कैसा इम्तिहान ले रहा है, और इस मौसम में अभी मौसम इतना खराब है, कब बारिश हो जाए कोई गारंटी नहीं है मौसम का। और हम लोग को यहाँ से बहुत दूर लेके जाना पड़ेगा बाबू दिखाने के लिए, क्योंकि लोकल का दवा हम देखे रात को, फीवर का दवा दिए थे हम, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, फिर हम लोग फीवर आ गया। इसके पहले भी उनको ऐसे ही हुआ था, तो फिर क्या हुआ ना कि लोकल दवा दिया लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ, तब जाके हम लोग बाहर दिखलाए थे। दोस्तों इधर अभी सूजी डू साहब नहीं खा रहे हैं, तो रवि का भी नाश्ता हो रहा है, हमारे डू साहब यहाँ खेल रहे हैं। ए चले चले गाड़ी चले, गाड़ी सीधा रखो, गाड़ी सीधा, धक्का मार दिया जा। तो खूब मस्ती कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना, तो मस्ती कर रहे हैं अपने से। ये देखिए पीछे अपने चल रहे हैं, ये देखिए अपने चला लिए, गते 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 गाड़ी टूट जाएगा। पहली बार ऐसा जो सूजी हलवा नहीं खा रहे हैं, अच्छा बैठा उतर रही है, जा 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 जा, धक्का मार दिया, धक्का मार दिया, धक्का मार दिया। आवाज देखने कैसा हो रहा है, पूरा आवाज चेंज हो गया इनका। दोस्तों मानसून एकदम खराब कर दिया है, और हमको अभी मजबूरी में निकलना पड़ेगा डू साहब को लेकर दिखलाने के लिए। ऐसे में नमूना का भी डर हो सकता है ना, तो बोल रहे हैं ठंडा गर्म कर रहा है मैन मैन। मैंने यहाँ पर पानी ज्यादा गिर रहा है, इनका आदत है ना पानी में छप 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 खेलने का, उसे चलते दिक्कत हो रहा है। कहीं आप सभी बहुत दिन से बोल रहे थे डूब एक बार चेकअप करा दो, डूब बोलता नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आज सारा डिटेल्स में सारा क्लियर डॉक्टर से कर ही लेंगे क्या, ताकि आपके सवाल भी ये बंद हो जाए कि आप लोग बार बार बोलते तो कहीं ना कहीं मेरे बाबू को ऐसा भी हो सकता है, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। मैं किसी को दोष नहीं दे रही, पर मेरे मन में एक थॉट बैठ गया है, ये भी हम पूछ लेंगे कि बाबू मेरा क्यों नहीं बोल पा रहा है। और दोस्तों कभी भी कोई डॉक्टर के पास ना क्लिप नहीं देने देते हैं, लेकिन जो भी हम बोलेंगे सोच समझ कर बताएंगे आपको कि बाबू सच मतलब क्या डॉक्टर बोले से। हो सकता है बहुत लोग कुछ बोलते हैं तो ना कि जेब वजह से क्या होता है ना, जेब सटा हुआ जीप नहीं है, बाबू को पूरा चीज चेक कर लिए, नहीं है जीप सटा। हो सकता है कुछ हो सकता है रीजन हो, तो हम दिखवा लेंगे तो कंफर्म हो जाएंगे, जा रहे थे दोनों चीज दिखवा लेंगे बाबू को लेकर, आपके भी क्वेश्चन बंद हो जाएंगे। ऐसे भी आपको फिर तो देना ही है, तो फिर क्या दिक्कत है, चलिए बाबू। तो अभी हम डू साहब को दिखला के निकल रहे हैं, ढेसा दवा लिखे ना, चार दवा लिखे हैं, चलिए फिर दवा लेते हैं। और हाँ जो हम पूछे थे, आपने बोले थे ना नहीं बोलते हैं, उसके बारे में आप डिटेल बताएंगे क्या डॉक्टर साहब ने बोला है कि नहीं। अंदर में मना कर दिया ना, इसीलिए नहीं ले पाए हम लोग, और फिर जहाँ दवा लेते थे दोस्तों आ गए धूप की तरह धूप पूरा बेचा है, और उसको बोला ना वाला पीने के तो ना वो पीना होगा। कुछ अच्छा लग रहा है इनको, बुखार फिर आ गया,
बहू पिए थोड़ा दे दीजिए, ले ला थोड़ा सा, ले ला ले ला, नहीं थोड़ी नहीं पिएंगे, छोड़ दीजिए पानी चाहिए, पानी चाहिए, ले ला पानी, कि पानी है, ले ला पानी है, नहीं छोड़ यहाँ दीजिए। दोस्तों रूबी ढेर सारा दवा लेके बैठ गए हैं डोग साहब को देने के लिए, और इधर इनको थोड़ा सा मोबाइल पकड़ाए हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, रोने लगे थे, और आते आते ना देखिए गिर गए, थोड़ा ठिकाना लग गया इनका। क्या हुआ, एंटीबायोटिक है? दोस्तों वहाँ से दवा लिया ना, तो इसमें पानी हमको अलग से ऐड करना पड़ेगा, हम ध्यान नहीं दिए, और इसमें एक रखता हल्का मतलब पानी गर्म करके ठंडा डाल के इतना शीशी ऐसे कर ठंडा कर दीजिएगा, निकल नहीं ऐसे कैसे नहीं निकल रहा है, पूरा पैक है। दोस्तों बहुत मुश्किलों के बाद अभी हम लोग डोगो को सुताए हैं, सो भी नहीं रहे थे, रात को ही सोए हैं, और ये देखिए क्या झूमर पा रहे हैं, तो साइड हो जाओ ना, फिर हम तोड़ दे रहे, आपसे नहीं टूटेगा, साइड हो जाओ, फिर वो तो अंदर से टूट जाएगा, बाहर क्या जरूरी है, अंदर से नहीं दिख रहा है, हम तोड़ दे रहे हैं ना, अरे अपने आप टूट गया, एक यहाँ पे है ऊपर में, छोटा है, छोटा नहीं है बड़ा, बता ना सब बाहर आ जा, झाँकने लग रहा है, टूटने का ऊपर कीजिए ना, ऊपर कीजिए उसको, हाँ नहीं झुक बार झुक जा रहे हैं, नहीं वहाँ फर लग रहा है, गिरेगा, इनको तो दिखता ही नहीं, एकदम झोपड़े में घुस गए हैं, अरे एकदम गजब हो गया दोस्तों, देख रहे हैं ना, दिखा आपको कहाँ, और इनको पता चलता है ना, सब कुंजी बुढ़ा रहे, लाल हो गया सब, दिख ही नहीं रहा है, ये दो तोड़े थे उस दिन, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, आपको दिखेगा कहाँ से, अभी दिन औंधी हो गया तो क्या होगा, दिखा रहे हैं आपको, हम ऊपर में है, कहाँ ऊपर में दिख रहा है जी, दिखा रहे बाबा, दोस्तों हमको तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि कहाँ हमको दिखा रहे हैं तुरई, अभी तो मेरे हाथ में एक पीस है और इधर कह रहे नहीं पता हमको, जो वो उठ गया ठीक रहा है, देख रहे हैं जाके हम, आप देखिए कहाँ है, नहीं होगा तब पूछेंगे, आप रुकिए ना, हमको उल्लू बना रहे थे, आप उल्लू है, है? था वो कहाँ था, ले गया का तोड़ के, अरे था तो, ओ तो कोई तोड़ लिया था। दोस्तों अभी ये डू साहब सोए हुए हैं, एकदम नींद से सोए हुए हैं, और रूबी जो है इधर खाना बना रहे हैं, तो बन गया खाना आपका, बस थोड़ा सा लेट है, एकदम नींद से सोए हैं डूगो पूरा रात भर जगह, तो क्या होगा, सोने दिया किसी को, तो ये रहा तुरई और आलू की सब्जी, अच्छा लगेगा इसे ही खाएंगे हम लोग, हम लोग कुछ खाना नहीं बनाया, रोटी जो बनाया सुबह वही हम लोग खाने जा रहे हैं, तो ये रहा रोटी, चावल भी नहीं बना पा रहे हम लोग, घर में बच्चा पड़ जाता है ना, देखने वाला भी अंदर नहीं जाता, बहुत कष्ट हम लोग खाते हैं, अब से सुबह रोटी बनाए थे ताकि बाबू को गुड़ रोटी खिला दे, बाबू गुड़ रोटी सुबह थोड़ा सा खाए, उसके बाद दवा बाबू को खिला के सुला दिए हैं, और सोच रहे हैं रोटी है, हम लोग के पास सब्जी नहीं बनाए थे, क्योंकि तो जल्दबाजी में ना बाबू को लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल, दोस्तों जब दो खाती है ना तो चावल तो खाते ही, बताइए अभी हम जाएंगे और खाना खाएंगे, अभी पता है टाइम कितना हो गया, दो ये देखिए 12:30 बज गया, अब जाकर हम लोगों का खाना बन रहा है, कभी कभी ऐसा हालत हो जाता है स्थिति कि आदमी खाना भी नहीं खा पाता है, क्या करें, सब समय का खेल है, छोड़ देना, कभी कभी लगता है जिंदगी में कौन सा खेल खेल रहा है, कोई बात नहीं, क्या कीजिएगा, सब होना ही बेकार है, हाथ तो उठ नहीं रहा, बड़ी कष्ट में खाना बना, छोड़िए। दोस्तों ये देखिए क्या इनका हालत हो गया, अभी एकदम सुस्त पड़ गया इनका शरीर, रात को 2 बजे के बाद जो आदमी सोएगा तो क्या हालत होगा, जाके तब जाके सोए हैं ये, और सिर्फ ज़्यादातर पानी में खेलने का इनका तबीयत खराब हुआ है,
मानते ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग का आज मुफ्तवा जवाब हम लोग देने वाले हैं दोस्तों। हमने दिखवाया सिर्फ आप लोग कहने के अनुसार से, ऐसे तो सर्दी खांसी था ही, लेकिन आप लोग बार बार जोर कर रहे थे एक बार दिखला दो बच्चा को, एक बार दिखला दो। इसलिए हमने डॉक्टर से भी सलाह लिया, परामर्श लिया, उनसे हम लोग पूछे। 2.5 साल प्लस हो गया, डॉक्टर साहब बोल नहीं पा रहा है, क्या उपाय हो सकता है? तो वो क्या बताए, आप लोग इतने घबरा गए? बस 4-5 साल तक कोई कोई बोलता है। हाँ, एक रीजन हो सकता था, अगर नहीं सुन पाता ना तो हम अनुमान लगा सकते थे कि बच्चा नहीं बोल पा रहा है, तो ये आप कर सकते थे। लेकिन ये अगर सुन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप एक्टिविटी करा के देखे, बोलते कोई दिक्कत ही नहीं है। चीज आपके साथ शेयर करते हैं, डॉक्टर साहब ने क्या कहा, लेकिन अलाउ नहीं था वो, बोले कि नहीं नहीं ऐसा बहुत कम ऐसे डॉक्टर है जहाँ पे हम लोग वीडियो क्लिप लेने देते हैं। और हम लोग बाहर निकल कर लिए, कुछ लेडीज वहाँ पे भी आई हुई थी, वो लोग भी बोली कि आप इतना कहे चिंता कर रहे, छोटा सा बच्चा है ना, अभी कोई बच्चा लेट से बोलता ही है, आप लोग किसी चीज को इग्नोर कीजिए, आपका बच्चा है अच्छा है, एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं, कि हाँ वो सब तो करता है, सब समझता है, बस बोल नहीं पाता है क्लियर, तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे वो भी सीख लेगा। अभी उनको बुखार लगे, इसे हम पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, तो गर्म पानी हम बोतल में ले गए थे, तो हम पापा पापा करके लगे करके जानते करते हैं, तो बोल रही तो बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कि पूरा होता है, खुला नहीं बोल पा रहा है, धीरे धीरे बोल देगा वो अभी, आराम से टेंशन मत लो आप, कोई दिक्कत नहीं इसको, आप इसके लिए आप दवा भी देंगे तो इसको सही पे इफेक्ट करेगा, क्या जरूरी ऐसा करने के लिए। लेकिन मुझे पता है जब हम ये चीज बोलेंगे आपके सामने, आप ये भी बोलोगे कि कुछ नहीं, सब झूठ मूठ का झूठ बोल रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आता दोस्तों, आप भी एक माँ है, और एक माँ अपने बच्चे को, जैसे आपका सबका बच्चा अपना प्यारा होता है, वैसे सबका ही बच्चा उतना ही प्यारा होता है। उसी प्रकार से दोस्तों हम प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, मेरे बच्चे के बारे में ऐसा मत बोलिए, बहुत बुरा लगता है। आप जितना हमको देना है गाली आप हमको दे दीजिए, जितना बोलना है कुछ बोल लीजिए, लेकिन प्लीज बच्चे को लेकर मत बोलिए, बहुत हर्ट फीलिंग होता है, क्योंकि आप भी एक माँ है, और एक माँ का दर्द माँ ही समझ सकती है, और ऐसे में कोई नहीं समझ सकता है। रात को इनको हम दवा दिए थे लेकिन नहीं सुन पाया, वो हमको लगा कि टेम्पोरी जहाँ हम लोग दिखाते हैं आसपास में वहाँ से ठीक होते ही नहीं, पिछला बार ऐसे ही हुआ था, 1 बजे पहले तो बीमार पड़े थे, फिर जाकर दिखाना पड़ा हम लोग को बड़ा हॉस्पिटल में, बस इन्फेक्शन। तो कारण यह है कि गिलास में पानी लेते रहते हैं तो खुद से बाल्टी से निकाल लेते हैं, और बाई चांस वो पानी को पी गए हैं, और पी गए उसी में इन्फेक्शन हो गया, और उसमें सर्दी खांसी हो गया, और अभी सीजनल भी चल रहा है, देख रहे हैं कभी धूप कभी गर्मी कभी छाया, उमस बहुत ज्यादा है, इसी में सबको प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो बहुत लोग आए थे दिखाने के लिए अपने बच्चे को, लेकिन हम क्या बोले कुछ समझ में नहीं आता, आप सभी बस यही लेकर बैठ जाते, तुम्हारा बच्चा पागल है, ये है वो है, हद है भाई, बच्चा पागल नहीं है, एक माँ हो के बच्चे के बारे में इतना गंदा सोचना, यहाँ तक समझना, जब हम कोई चीज आपके ऊपर व्यंग करते हैं हंसते हैं तो आप लोग तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं, लेकिन जब मेरे बच्चे के बारे में लेकर बोलते हैं ना तो बहुत तकलीफ होता है। और आजकल तो आप बोल रहे हैं कि कमेंट नहीं पढ़ती है दोस्तों, ऐसा नहीं, कभी कभी कमेंट रीड कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा हर्ट फीलिंग तो होता ही है ना, क्योंकि इधर हम पड़ गए और हम ठीक भी नहीं हुए हैं, बस मेरा बच्चा इधर पड़ गया, हमको पता है ये घर घर में सिर्फ नहीं चल रहा होगा, बच्चे का पढ़ना आम बात है, लेकिन प्लीज आप ऐसा मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों हम आपके बात को रखे, और बेबी के बारे में हम यही सोचते हैं कि अगला बार आप इस तरह कमेंट नहीं करेंगे तो बेहतर होगा, और जिन लोगों को ना ऐसा लगता होगा तो आना साथ पुलिस लेंगे, डॉक्टर पास क्या बोलता है डॉक्टर। हाँ, ऐसा सुन लीजिए, कोई क्लिप है जो नहीं लेने देते डॉक्टर साहब, मना कर देते हैं, हम नहीं ले पाए, नहीं तो अब जिसको यकीन ही नहीं होगा, हार्ट लगा बैठे हो तो क्या कर सकते हैं। दोस्तों गौर से प्रे कीजिएगा, बाबू जल्द से जल्द ठीक हो जाए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाय।